हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। डिड हो गई हेल्पिंग बार। हिज मदर मतलब उनकी माता जी ने, मतलब किसकी माता जी ने, रिचर्ड ब्राइट की माता जी ने क्या किया। हेल्प मतलब मदद की, और किस की, मतलब उनकी मदद की, रिचर्ड ब्राइट की मदद की थी। तो बताना है किस प्रकार से की थी और किस में की थी। मेकिंग साइंटिस्ट, उनको साइंटिस्ट बनाने में मदद की थी, तो यही बताना है उन्होंने किस प्रकार से उनकी मदद की थी। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है रिचर्ड एब्राइट्स मदर, जो रिचर्ड एब्राइट की मदर थी ना, वो क्या करती थी, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या करती थी, हेल्प मतलब मदद करती थी, और क्या करती थी, इनकरेज मतलब उत्साहित करती थी। किसे करती थी, मतलब उन्हें, मतलब किसको, रिचर्ड एब्राइट को। बड़ी आसानी से देखें, इसमें दो वर्ब बताई गई हैं, हेल्प और इनकरेज बताई है। इनका सब्जेक्ट कौन है, उनकी माता जी है, तो इसलिए लिखा है रिचर्ड एब्राइट की जो माता जी थी ना, वह हमेशा क्या करती थी, हेल्प्ड करती थी, और क्या करती थी, इनकरेज्ड करती थी। भाई किसे करती थी, मतलब उन्हें, मतलब रिचर्ड एब्राइट को करती थी। अब नेक्स्ट को देखते थे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सी मतलब वह उनकी जो माता जी थी ना, वो क्या करती है, टुक टुक मतलब होता है ले जाना, तो वह ले गई थी, किसको ले गई थी, उसका नाम लिखा है, मतलब उन्हें ले गई थी। अब कहां ले गई थी, तो लिखा है ऑन ट्रिप्स पर ले गई थी, घुमाने के लिए ले गई थी। और इसी सेंटेंस में एक और वर्ब लगी है, क्या है, बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है, मतलब खरीद कर देना होता है, खरीद दिया। और क्या दो चीजें खरीद के दी थी उनको, क्या दी थी, लिखा है बुक्स दी थी, और क्या दिए थे, साइंस के इक्विपमेंट्स दिए थे, मतलब उपकरण दिए थे, फॉर हिम मतलब उनके लिए। बड़ी आसानी से देखें क्या लिखा है, सी टुक वह ले जाती है, किसको ले जाती है, हिम मतलब उन्हें, ब्राइड को ले जाती है। कहां ले गई थी, ऑन ट्रिप्स मतलब घुमाने ले गई थी, साइंस की चीजें दिखाने ले गई थी। और क्या करती है, बॉट मतलब खरीद के दी थी, क्या दी थी, दो चीजें, कौन कौन सी, बुक्स दे दी, साइंस की बुक्स दे दी, और क्या दे दी, साइंस के इक्विपमेंट्स दे दी, मतलब उपकरण दे दी, जिससे वह कुछ साइंस के बारे में खोज भी कर सके। और किसके लिए दे दिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए दे दिए। कितनी स्टेप हो गई, दो हो गई। थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड में क्या लिखा है, सी स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना होता है, तो वह क्या करती थी, खर्च करती थी। अब क्या चीज खर्च करती थी, उसका नाम लिखा है ऑल हर टाइम्स, मतलब अपना सारा समय खर्च करती थी। किस चीज में खर्च करती थी, तो लिखा है फाइंडिंग मतलब ढूंढने में, क्या ढूंढने में, थिंग्स मतलब चीजें, या यहां पर कार है उसका, फाइंडिंग मतलब ढूंढने में, और क्या ढूंढने में, थिंग्स मतलब कारों को ढूंढने के लिए। अब कार तो ढूंढती थी, किसके लिए ढूंढती थी, लिखा है फोर मतलब के लिए, मतलब उनके लिए, ब्राइड के लिए कार ढूंढती थी। कैसे कार ढूंढती थी, तो लिखा है टू लर्न मतलब जिससे वह कार को कर कुछ सीख सके, ऐसे कार को ढूंढने में अपना सारा समय खर्च करती थी। क्या लिखा है, सी स्पेंड, वह खर्च करती थी, क्या चीज खर्च करती थी, ऑल हर टाइम अपना सारा समय खर्च करती थी, किसमें, फाइंडिंग थिंग्स मतलब ढूंढने में, किसको ढूंढने में, थिंग्स मतलब कारों को ढूंढने में। किसके लिए कार ढूंढती थी, फोर मतलब ब्राइड के लिए, कैसे कार ढूंढती थी, जो टू लर्न मतलब उसको कार वो सिखाए। इनको देख लेते हैं, तो क्या लिखा है, द बुक मतलब पुस्तक, और कौन सी पुस्तक की बात कर रही है, बिच मतलब जो, सी मतलब माता जी ने क्या की थी, गैप मतलब दी थी, किसको, हिम मतलब उन्हें, मतलब ब्राइड को दी थी। क्या लिखा है, जो पुस्तक है ना, वो क्या करती है, सी गैप हिम उनको देती है, वह पुस्तक क्या कर देती है, चेंज्ड, बदल देती है, क्या बदल देती है, तो लिखा है रिचर्ड्स लाइफ मतलब रिचर्ड की जिंदगी को बदल देती है, क्योंकि उससे उनका इंटरेस्ट बढ़ गया था साइंस की चीजों को जानने के लिए। अब लास्ट में लिखा हुआ है सी प्लेड, प्लेड मतलब होता है निभाना, क्या निभाया, एन इंपॉर्टेंट रोल मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और काय में निभाई, तो लिखा है इन द मेकिंग मतलब बनाने में ऑफ साइंटिस्ट, मतलब एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।